भारतीय मजदूर संघ के प्रधान मदन सिंह राणा ने बीरभूमि टैक्सी यूनियन के सदस्यों की परेशानियों को सुना। इस दौरान बीरभूमि टैक्सी यूनियन के सदस्य ने बताया कि उन्हें प्रशासन द्वारा हमीरपुर बस स्टैंड से हटाने को लेकर धमकियां दी जा रही हैं, जिसको लेकर वे मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि 2002 में टैक्सी स्टैंड का निर्माण पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा किया गया था। इस दौरान टैक्सी यूनियन ने मांग की है कि टैक्सी स्टैंड जहां पर है वहीं पर रहने दिया जाए। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ के प्रधान मदन सिंह राणा ने कहा कि प्रशासन द्वारा टैक्सी स्टैंड को यहां से हटाने के लिए कहा गया है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि टैक्सी स्टैंड हमेशा ही बस अड्डे के साथ ही होता है। उन्होंने कहा कि यदि टैक्सी स्टैंड बस स्टैंड से 2-3 किलोमीटर दूर बनाया जाता है तो टैक्सी चालकों को सवारी कहां से मिलेगी। उन्होंने कहा कि टैक्सी स्टैंड जहां पर है वहीं पर रहने दिया जाए, इसके लिए वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे। नाम मदन सिंह राणा, भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रांत के अध्यक्ष की मेरे पास जिम्मेदारी है। आज हम शिमला से निकल रहे थे अपने घर फतेहपुर के लिए, कांगड़ा के लिए, तो जाते जाते जिला के अध्यक्ष का हमें फोन आया घंटा पहले कि जाते जाते आप हमारे साथ हमारे लोगों को साथ मिलते जाएं। तो आज जहां पर टैक्सी यूनियन के लोगों के साथ भी हमारा जहां पे बैठना हुआ, इनके साथ भी हमारी लंबी चौड़ी बात हुई है और कुछ समस्याएं इन्होंने अपनी जहां पे रखी हैं। जैसा कि ये टैक्सी जो स्थान है मीरपुर का, इसका टैक्सी स्टैंड का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने 2002 में किया था और वर्तमान में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, मुख्यमंत्री चेंज होते रहते हैं। और आज जैसा अभी इन्होंने बताया है कि प्रशासन द्वारा इनको धमकियां दी जा रही हैं कि इस स्थान को खाली कर दिया जाए। हम भारतीय मजदूर संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, हम हमेशा कर्मचारी मजदूर हित की बात करते हैं और सरकार ए पार्टी की हो, सरकार बी पार्टी की हो, हम हमेशा प्रशासन का सहयोग करते हैं। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि प्रशासन अड़ंगा ना अड़ाए, प्रशासन इनको ऐसी धमकियां ना दे। हम शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री हमेशा मजदूर वर्ग, कर्मचारी वर्ग, छोटे वर्ग की बात सुनने वाले हैं और इस विषय को हम मुख्यमंत्री के ध्यान में लाएंगे। और निश्चित तौर पर जैसे हमने इनको आश्वासन दिया है कि ये जो आपका टैक्सी स्टैंड जो है, जहाँ पे इसका शिलान्यास हुआ है, जहाँ पे आपका ये टैक्सी स्टैंड बनेगा, टैक्सी स्टैंड प्रशासन ने कहा कि इस स्थान को खाली कर आप कहीं और कोई स्थान तय कर लीजिए। तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि टैक्सी स्टैंड जो है वो हमेशा बाजार के साथ होता है, बस स्टैंड के साथ होता है। अगर 2-3 किलोमीटर दूर जाकर अगर टैक्सी स्टैंड बनाएंगे तो वहाँ पे कौन सी सवारी के पास जाने वाली है। तो हमारा प्रशासन से यही निवेदन रहेगा कि जो जैसे इनका जो पहले इतने सालों से जहाँ पे जो इनका स्थान है वो ही रहने दिया जाए, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। ठीक।